दोस्तों मैं एक टैब ढूंढ रहा था कि 16,000 से 18,000 के अंदर एक बजट में आपको अच्छा सा टैब मिल जाए जिसके अंदर अच्छा सा डिस्प्ले हो और एक अच्छा सा प्रोसेसर हो। लेकिन प्रोसेसर मुझे अच्छा सा कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, कहीं पर यूनिसॉक का प्रोसेसर तो कहीं पर मीडियाटेक P22T का प्रोसेसर, लेकिन एट लास्ट मुझे एक अच्छा सा प्रोसेसर मिल गया जो कि हीलियो G80 का प्रोसेसर है जो एक टैब के लिए गेमिंग प्रोसेसर है। सो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है रियलमी टैब। सो रियलमी टैब कैसा है, क्यों बढ़िया है, किस लिए मैंने चूज किया, सो सारी बात कहूंगा। सो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो Realme Tab का बजट शुरू होता है 16K से लेकर 18K तक। 16K वाला जो है वो 3GB RAM का है एंड जो 18K वाला है वो 4GB RAM का है। सो टैब की बात करें तो पहले सबसे बढ़िया हाईलाइट यानी कि मेन थिंग जो होता है वो है डिस्प्ले। सो आपको Realme Pad के अंदर एक 10.4 इंच का WUXGA+ का एक डिस्प्ले है जो कि 360 nits का ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। सो डिस्प्ले बढ़िया है बजट के हिसाब से। एंड डिज़ाइन की बात करें तो आपको 440 ग्राम का एक अच्छा सा पतला सा टैब मिल जाता है जो कि 6.9 मिलीमीटर पे डेप्थ है एंड उसके साथ साथ आपको 3 कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। और अब जो बात करें वो है प्रोसेसर जिसको मैं ढूंढ रहा था। सो आपको इधर मिल जाता है हीलियो G80 का प्रोसेसर एंड माली G52 का एक ग्राफिक्स। सो आप इधर लो सेटिंग पे गेम खेल सकते हो यानी कि आपको 30 फ्रेम रेट्स तक मिलेगा अप टू। एंड ये जो एक गेमिंग टैब नहीं है, बजट टैब है, सो एंटरटेनमेंट वाला एक टैब है। सो इधर आपको 30 FPS का गेमिंग मिल रहा है, सो ये बहुत बढ़िया है। एंड अभी बात करें मल्टीमीडिया की तो आपको इधर 8 MP का एक HD कैमरा मिल जाता है एंड स्पीकर में आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है एंड आपको 4 लाउड स्पीकर मिलता है एंड उसके साथ साथ आपको 2 माइक्स मिलता है जो कि नॉइस कैंसलेशन वाला है। और अगर बैटरी और चार्जर की बात करें तो आपको इधर 7100 mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है एंड ये जो बैकअप है अप टू वीडियो प्लेबैक में 12 घंटा तक जाएगा एंड उसके साथ साथ आपको 18W का एक चार्जर मिल जाता है। सो एक बजट टैब में इतना बड़ा बैटरी एंड इसलिए मैंने इसको हाईलाइटेड पॉइंट में रखा एंड जो चार्जिंग है वो भी फास्ट चार्जिंग है, 18W फास्ट चार्जिंग है। और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो अभी 4G डुअल सिम अवेलेबल हो चुका है एंड आपको इधर Wi-Fi 5 मिलता है, Bluetooth 5 मिलता है एंड उसके साथ साथ आपको ये 4GB 3GB RAM वेरिएंट में मिलता है एंड 64GB स्टोरेज है जिसको आप अप टू 1TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। और OS की बात करें तो आपको इधर Realme UI मिल जाता है जो कि पैड के लिए बेस्ड करके एक OS बनाया गया है, एक कस्टमाइज्ड OS है एंड उसके साथ साथ जो Android 11 प्रोवाइड करता है टैब में एंड एक स्टॉक सॉफ्टवेयर है जो कि Realme के तरफ से होता है जो कि स्मार्ट कनेक्शन, आप Realme के लैपटॉप, Realme के TV या फिर वॉच या टैबलेट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो ये थी कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स क्यों मैंने इस टैब को चूज किया एंड ये वाला टैब मेनली एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा बहुत लाइट गेमिंग के लिए बेस्ट है, फैमिली टैब है, आप यूज कर सकते हो, घर में रख सकते हो, थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी काम कर सकते हो। सो दोस्तों अगर बजट में आपका 16,000 या फिर 18,000 रुपी है तो आप Realme Pad के तरफ ही जाओ, मैंने बहुत ढूंढा एंड ये वाला परफेक्ट लगा मुझे। एंड दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके बताओ, मुझसे चैट करना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाओ जाकर फॉलो करो, देन मुझसे चैट कर सकते हो। और मेरे Q&A वीडियो में आना चाहते हो तो नीचे #askanil लिखकर मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल ऑफ में सेलेक्ट कर दो। सो दोस्तों मेरा नाम है अनिर्बान और मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।